Welcome to my channel. I'm Pallavi and I hope you all are doing well. So guys, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस मेकअप ट्यूटोरियल जो भी आप मेरे फेस पे देख रहे हैं. सो गाइज, मैं कुछ डिफरेंट सा ट्राई करने का सोच रही थी, तो मैंने ये लुक ट्राई किया है जो सा ब्लू आईज है. आपके पास अगर कोई भी कलर हो, आप उससे ये लुक क्रिएट कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. आप ग्रीन, ब्लू, रेड, जो कलर आपको पसंद है, आप उस कलर से ये लुक ट्राई कर सकते हो. सो आप जरूर ट्राई करें. सो गाइज, अगर ये लुक आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड जो भी आपके फ्रेंड्स मेकअप लवर है उनके साथ आप ये लुक शेयर करें. सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड उसके बगल में जो बेल आइकन, आप उसे हिट करना बिल्कुल ना भूलें. अगर आप उसे हिट नहीं करेंगे तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे. सो उसे हिट करना बिल्कुल ना भूलें. सो चलिए गाइस, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, फर्स्टली हम अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लेंगे मेकअप करने से पहले. तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ टोनिंग से एंड मैंने यहाँ यूज किया है गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर. एंड देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जॉय का मॉइस्चराइज़र जो कि मेरे फेस को अच्छे से मॉइस्चर देगा एंड देन मेरा जो बेस है वो भी फ्लॉलेस कर देगा. तो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस पे. देन मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी एंड मैं यहाँ ले रही हूँ माल्याओ का ये आईब्रो पैलेट एंड इसके साथ जो ब्रश आता है मैं उसी से अच्छे से अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी. एंड गाइज, आप कभी भी अपने आईब्रो को ब्लैक कलर से फिल ना करें. अगर आपके आईब्रो कुछ ज़्यादा डार्क है तभी आप ब्लैक कलर चूज़ करें अपने आईब्रो के लिए, वरना आप डार्क ब्राउन या ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर, इस तरह के कलर अपने आईब्रो के लिए चूज़ करें. एंड आप बहुत ही लाइटली अपने आईब्रो को फिल करें, जो आपका शेप है आईब्रो का आप उसे वैसे ही फिल करें. सो देन मैं इसे अच्छे से स्पूली से सेट कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. देन मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का ये पैन स्टिक फाउंडेशन स्टिक यूज़ कर रही हूँ एज अ कंसीलर. सो मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. एंड गाइज, ये क्रीम बेस्ड कंसीलर है तो आप इसे ड्राई स्किन वाले बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एंड इसकी कवरेज भी मीडियम है, ना लो है ना हाई है, तो आप इसे बिल्ड भी कर सकते हैं. तो गाइज, मैं ये HR का ये ड्यूप पैलेट यूज़ कर रही हूँ. तो मैं इसमें से ये लाइट स्काई ब्लू शेड यूज़ करूँगी. एंड गाइज, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसकी जो कवरेज है, इसकी जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ही ख़राब है एंड ये बहुत ही चौकी पाउडरी इसके शेडोज़ हैं. बहुत ही बुरी आई शेडो है ये. मैंने हड़बड़ी में बिना देखे ख़रीद लिया था, लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें. तो मेरा स्ट्रगल आपको दिखेगा. तो ये ब्लेंड करने के बाद बिल्कुल ही इसकी कवरेज नहीं आती है. सो मैं इसे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पहले अच्छे से प्लेस कर रही हूँ अपने पूरे आईलेट पे. आप देख सकते हैं. देन मैं इसे ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ और आप देख रहे हो जैसे ही मैं ब्लेंड करती हूँ वैसे ही इसकी कवरेज बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ. देन मैं एक फुल अपने आईलेट पे एक फुल कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्लो कर रही हूँ ध्यान से, आप देख सकते हो. एंड गाइज, आप जब भी कट क्रीज ड्रॉ करते हो तो आप एक पतला सा ब्रश से कट क्रीज ड्रॉ करने की कोशिश करें. अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. सो देन मैंने यहाँ एक स्पॉन्ज एप्लीकेटर से अपने आईलेट पे ये कलर प्लेस करने का कोशिश किया है ताकि कवरेज इसकी थोड़ी अच्छी आए एंड ये थोड़ा वर्क भी कर रहा है. देन मैं एक पेंसिल ब्रश लेके अपने जो मेरा जो कंसीलर है क्रीज लाइन पे मैं उसे क्लीन कर रही हूँ ताकि एजेस जो है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन दिखे. सो या देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये स्ट्रेकर का आईलाइनर एंड मैं यहाँ पे एक फुल विंग आईलाइनर लगा रही हूँ. एंड अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये लाइनर बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही इजी से लग जाता है, बहुत ही इजी से इसकी विंग भी बन जाती है. एंड मैंने जो ये लुक है, मैं ये इंस्टा से इंस्पायर्ड होकर मैंने ये लुक क्रिएट किया है. मैं इसे अच्छे से लगा लिया है. देन मैं मेबेलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ एंड मैं इसे एक से दो कोड अपने लैशेस पे लगाऊंगी. एंड गाइज, अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप करते हैं तो आप वाटरप्रूफ मस्कारा बिल्कुल यूज़ ना करें.
देन मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ अपना बेस मेकअप एंड अपने आई मेकअप पे हम दोबारा रिटर्न होंगे, बट यहाँ हम पहले अपना फेस मेकअप करेंगे एंड मैंने प्राइमर के लिए यहाँ लिया है लैक्मे का ब्लड प्राइमर एंड दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर। देन मैं वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। एंड गाइज, आप जब भी फाउंडेशन लगाते हैं तो उससे पहले आप अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर ले तो ताकि आपका जो बेस है वो बहुत ही फ्लॉलेस एंड लॉन्ग लास्टिंग हो। एंड वन थिंग मोर, आप जब भी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, ब्यूटी ब्लेंडर, तो आप उसे वेट करना बिल्कुल ना भूलें। आप उसे नॉर्मल वाटर से भी वेट कर सकते हो या फिर उस पर आप अपना रोज़ वाटर या जो आपका ब्यूटी मेकअप फिक्सचर जो है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो वेट करने के लिए। तो उसके बाद जो आपका मेकअप होगा वो बहुत ही अच्छा होगा एंड आपका जो मेकअप ब्लेंड होगा वो भी बहुत ही ईजिली ब्लेंड होगा, तो आप देख सकते हो। देन मैं सेम कंसीलर अपने अंडर आइज पे, अपने ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड पे एंड चिन पे एंड जो लाइन के हल्का सा ऊपर, मैं उसे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। एंड देन मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। एंड गाइज, ये क्रीम बेस्ड कंसीलर है तो ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड भी हो जा रहा है। एंड गाइज, आप देख रहे हो कि इसकी जो कवरेज है वो कोई खास नहीं है, मीडियम कवरेज है। देन मैं एक मेकअप रिलेशन का बनाना पाउडर लेके अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी एंड मैं अपने ओवरऑल कंसीलर एरिया को सेट करूँगी क्योंकि मैंने एक क्रीम बेस्ड कंसीलर यूज़ किया है इसलिए। एंड मैं ये ब्राउन शेड लेके अपने फेस को कंट्रोल भी कर लूँगी। एंड गाइज, आप जब कॉन्टूरिंग करते हैं तो आप अपर मोशन में कॉन्टूरिंग करें, नीचे के डायरेक्शन में जाके ना करें या सीधे ना जाएं, अपवर्ड मोशन में जाके करें। सो देन मैं यहाँ अपने फोरहेड को भी अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ क्योंकि मेरे फोरहेड थोड़े से बड़े हैं। एंड आप बहुत ही लाइट कॉन्टोर करें ताकि वो थोड़ा हार्श ना दिखे, थोड़ा हैवी ना दिखे, बहुत ही लाइट सा नेचुरल सा दिखे तो अच्छा लगता है देखने में। मैं अपने जॉ लाइन को भी अच्छे से कॉन्टोर करूँगी। तो आप अपने नोज़ को कंट्रोल करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि नोज़ को कंट्रोल करने के बाद जो आपके फेस पे जो एक स्ट्रक्चर आता है, एक जो इफ़ेक्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। सो आप अपने नोज़ को कंट्रोल करें अच्छे से। सो देन मैं अच्छे से अपने सारे पाउडर्स को क्लीन कर लूँगी एंड आप देख सकते हो कि कंट्रोलिंग करने के बाद मैंने अपने पाउडर डस्ट ऑफ किए हैं, तो इसी वजह से जो मेरी कॉन्टोरिंग है वो बहुत ही क्लीन दिख रही है। तो देन मैं ब्लश के लिए यहाँ एक पिंक शेड ले रही हूँ। एंड गाइज, आप ब्लश को और कॉन्टोर को अच्छे से साथ में ब्लेंड करें ताकि दोनों अलग अलग ना दिखें। देन बैक टू द आई मेकअप, मैं यहाँ ब्लू शेड ले रही हूँ एक फ्लफी ब्रश में, अच्छे से इससे अपने लोअर लेस लाइन पर ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने लेस लाइन के क्लोज इसे लगा रही हूँ सेम कलर को। देन मैं यहाँ मेबलिन का काजल यूज़ कर रही हूँ एंड इसे मैं अपने वाटर लाइन को अच्छे से टाइट लाइन करूँगी। देन मैं अपने लोअर लेस लाइन पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ एंड आप अच्छे से मस्कारा यूज़ करें अपने लोअर लेस लाइन पे ताकि वो बहुत ही अच्छा दिखे। देन मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ एंड मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे सेट कर लूँगी ताकि जो भी एक्सेस है पाउडरी है वो ऑब्जॉर्ब हो जाए। देन मैं मेकअप रिलेशन पैलेट में से ये शैम्पेन शेड यूज़ कर रही हूँ फॉर द हाइलाइटर क्योंकि ये बहुत नेचुरल सा आपके फेस पे हाईलाइट इफेक्ट देता है। देन मैं यहाँ अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी एंड ब्रा बोन को भी। लिपस्टिक में मैं यहाँ मेबलिन की न्यूड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जो इस आई मेकअप के साथ बहुत ही अच्छे से जा रहा है एंड ये लिपस्टिक भी बहुत क्रीमी है। आप लगाओगे तो आपको लगेगा कि आप क्रीम ही अप्लाई कर रहे हो अपने लिप्स पे। सो यार, दिस इज़ माय फाइनल लुक गाइस। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको ये लुक कैसा लगा एंड अगर ये लुक आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल बटन को भी हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। बाय, टेक केयर।